आईपीएल 2024 के लिए जब ऑक्शन किया गया तो पैट कमिंग्स पर रिकॉर्ड 20.5 करोड़ की बोली लगी। सनराइजर हैदराबाद ने पैट कमिंग्स को खरीदा, लेकिन ऑक्शन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी लपटे अब फाइनल में देखने को मिल रही हैं। दरअसल ऑक्शन टेबल पर सनराइजर हैदराबाद की ओनर काव्या मरन जब कमिंग्स के लिए बोली लगा रही थी तो कुमार संगकारा के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका हंस रहे थे। उनकी ये हंसी काव्या मरन को चुभ रही थी। काव्या ने भी तय कर लिया था कि चाहे जो हो अब तो वो कमिंग्स को खरीद कर ही मानेंगे, और आखिर में ऐसा ही देखने को भी मिला। इतनी बड़ी बोली लगाने का एक कारण ये भी था कि सनराइजर हैदराबाद की टीम पिछले कुछ सीजन से लगातार फ्लॉप हो रही थी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने फ्रेंचाइजी को एक नए फ्लेवर में रंगने का मन बनाया और इसकी शुरुआत हुई कप्तान को बदलने से। सनराइजर हैदराबाद ने पैट कमिंग्स को अपना कप्तान बनाया। ऑक्शन टेबल पर बैठे जो भी काव्या मरन के फैसले का मजाक बना रहे थे उन्हें अब जवाब मिल गया है। काव्या ने जिस पैट कमिंग्स पर 20.5 करोड़ का दाव लगाया उसी ने अब टीम को फाइनल में पहुंचाया। दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आईपीएल में एक विदेशी कप्तान के तौर पर कमिंग्स ने जिस तरह से टीम को चलाया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सिर्फ कप्तानी ही नहीं, कमिंग्स ने बॉलिंग में भी दमदार प्रदर्शन किया। पैट कमिंग्स ने जिस तरह से टीम को एक साथ लेकर फाइनल में पहुंचे उसे देख अब काव्या मरन को अपने इस फैसले पर गर्व हो रहा होगा। इसके साथ ही जो उन पर हंस रहे थे वो बोलने लायक भी नहीं रहे हैं। दरअसल ऑक्शन टेबल पर सिर्फ सनराइजर हैदराबाद ही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई भी पैट कमिंग्स को खरीदना चाहती थी। सीएसके और मुंबई के बीच 4.80 करोड़ तक बोली गई। इसके बाद आरसीबी की एंट्री हुई। सीएसके और आरसीबी के बीच 7.60 करोड़ तक बोली गई थी। इसके बाद सीएसके ने अपने कदम पीछे कर लिए और फिर सनराइजर हैदराबाद की एंट्री होती है जिसकी बोली 20.50 करोड़ पर जाकर खत्म होती है। और अब ये देखना होगा पैट कमिंग्स इसे ट्रॉफी दिला पाते हैं या नहीं।